पार्ट 14 में हम देख चुके हैं टल्ली पूपा पपाई को किस कर देता है, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 15 से पहले पार्ट 14 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 15 से हम देखते हैं पपाई हैरान थी और दूर होने लगती है, बट पूपा उसे कस के पकड़ लेता है। जब वो देखती है कि पूपा सो गया तो वो भी चुपचाप लेट जाती है। पता है कि पपाई उसकी बाहों में सो रही है तो वो खुश होता है, बट पपाई को उठते देख पूपा जानबूझ के सोने का नाटक करता है। पपाई छुपके छुपके उठने वाली थी, बट उससे गलती से पूपा की पैंट पे हाथ रखा गया था। पूपा का फ़ोन आता देख वो उसकी पॉकेट से फ़ोन निकाल लेती है और वो उसे उठाने लगी थी, बट वो नहीं उठता तो वो खुद से ही उसका फ़ोन उठा लेती है। उसकी आवाज़ सुन फ़ोन पे मीना कहती है, कौन पपाई? तुमने पूपा का फ़ोन कैसे उठाया? पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं, पपाई ने पूपा का फ़ोन उठाया, मतलब वो दोनों पूरी रात साथ में थे। उससे ऐसे मत पूछो, पपाई कहती है, रात पूपा टल्ली हो गया था तो मैं। मीना कहती है, तो तुमने उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली? पपाई कहती है, हाँ पर इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो हम दोनों के साथ में रहने में कुछ अजीब नहीं है। पूपा सोता हुआ स्माइल कर रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं, मीना उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दो। पपाई कहती है, ऐसा नहीं है, पर मीना गुस्से से तभी फ़ोन काट देती है। पपाई पूपा को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो सोने का नाटक कर रहा है, तो कहती है, कॉकरोच। पूपा एकदम से उठकर कहता है, कॉकरोच कहाँ है कॉकरोच? पपाई कहती है, तुम नाटक कर रहे थे ना, यानी तुमने सब सुन लिया? वो कभी मना तो कभी हाँ करता और फिर कहता है, चलो फिर से सोते हैं। पर पपाई भाग जाती है। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा धीरे चलो, कहीं फिसल के गिर मत जाना। फिर हम देखते हैं रूल बोर्ड को, पपाई ने अब मार्क्स बोर्ड बना दिया है, क्योंकि तभी तो पूपा पपाई का इंटर्न से रियल बॉयफ्रेंड बन पाएगा। पूपा ने पपाई के लिए सैंडविच बनाई थी तो वो खाने वाली थी, बट उसकी नज़र पूपा के लिप्स पे पड़ जाती है और फिर रात वाला किस दिन याद आते ही वो शर्मा कर सैंडविच खाने लगती है। फिर वो उसे देखने लगी थी तो पूपा उसके क्लोज होने लगता है। वो ब्लश करने लगी थी बट पूपा किस करने के बजाय उसके लिप्स साफ कर देता है, तो पपाई जल्दी जल्दी सैंडविच ठूसने लगती है और फिर पूछती है, क्या तुम आज लैब नहीं जाओगे? मॉर्निंग में तो लैब से फ़ोन आया था, क्या पता कोई काम हो। वो कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए, वो मेरे बिना भी काम कर सकते हैं। पपाई देखती है कि पूपा ने सोचते सोचते सैंडविच पे बहुत सारी चिली सॉस लगा ली है और उसके मना करने से पहले ही वो खा लेता है। उसे मिर्ची लगती देख वो जल्दी से उसे मिल्क ला कर देती है। पूपा की ऐसी हालत देख पपाई को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, बट वो कहता है, इट्स ओके, तुम जॉब पे चली जाओ। तो पपाई पूपा को बाय कर अपनी जॉब पे चली जाती है। पपाई के जाते ही पूपा एक प्लेन पजल उठा लेता है। इधर पपाई न्यूज़ देख रही थी जिसमें रिपोर्टर टाइम से पूछते हैं कि उसने पहले किसी को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था कि उसने किसी फैन को हर्ट नहीं किया। वो कहता है, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, अब तो मेरे फैंस ने सब लोगों के सामने सच ला दिया है, तो मैं उन सबका थैंक यू करना चाहता हूँ मुझ में विश्वास रखने के लिए। रिपोर्टर पूछती है, क्या तुम उन क्रेजी फैंस को सज़ा दिलवाओगे? वो कहता है, नहीं, वो मेरे फैंस हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पर उन्हें केयरफुल रहना चाहिए कि वो ऐसा गलत काम कभी ना करें। पपाई ये न्यूज़ से काफ़ी खुश होती है। एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर उन सबको बताता है कि इस बार उन्हें कैट फूड की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फे पपाई को इस एडवर्टाइजमेंट का आइडिया सोचने के लिए बोल देती है और कहती है कि वो बाद में बाकी सब देख लेगी। अब उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडल चूज़ करना था, तो पपाई टाइम को मॉडल बनाने को बोल रही थी, क्योंकि अब तो टाइम निर्दोष प्रूफ हो गया था, इसलिए उन्हें टाइम को मॉडल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्टर मान जाता है। पपाई कहती है, मुझे लगता है हमें पहले वाले प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम को नहीं हटाना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि टाइम की थोड़ी सी बैड र्यूमर्स की वजह से हमने उसके साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, जिससे कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है। तो डायरेक्टर पपाई की ये वाली बात भी मान लेता है,
जिससे प्रपाई खुश थी, पर फे काफ़ी चिढ़ी हुई लग रही थी क्योंकि प्रपाई के सामने उसकी वैल्यू कम हो गई थी। रात में प्रपाई घर आके देखती है कि पूपा अभी भी डाइनिंग टेबल पे ही बैठा है, तो कहती है, क्या तुम पूरा दिन ये पजल सॉल्व करते रहे? वो हाँ करता है और फिर उसे गुड नाइट कर सोने जाने लगा था। वो उसे रोक के कहती है, ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम सैड हो, तुम्हें पता है ना जो प्रोजेक्ट तुमने रेडी किया है उसे हर कोई नहीं कर सकता, और तुम कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हो, तो तुम अपने ब्रेन को ऐसे छोटी सी पजल सॉल्व करने में यूज़ मत करो, ये तो गलत होगा। वो कहता है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी कोई स्कॉलरशिप मिस नहीं करता। तो प्रपाई को सोचने लगती है। इधर पूपा के फ्रेंड्स टाइम पास करने के लिए डंडा फाइटिंग कर रहे थे, पर फिर कहते हैं, ये भी कितना बोरिंग है, पूपा कहाँ है, इतने दिन से गायब है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, उसने ऐसे ही काम छोड़ दिया इसलिए प्रोफेसर भी उससे गुस्सा हैं, और मीना को तो जब से स्कॉलरशिप मिली है तो वो तो हम जैसे से बात ही करना पसंद नहीं करती, पहले तो बड़ा पूपा पूपा करती रहती थी, अब उसे कोई पूपा याद नहीं आ रहा। तभी लैब में प्रपाई आती है तो वो कहते हैं, तुम पूपा से मिलने आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है, पता नहीं उसे कुछ दिनों से क्या हो गया है। प्रपाई कहती है, वो स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से काफ़ी सैड है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे पूपा को फिर से इंस्पिरेशन मिले और वो फिर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे? फ्रेंड्स कहते हैं, पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि प्रोफेसर उससे काफ़ी गुस्सा है और वो तो शायद उसे दूसरी कोई स्कॉलरशिप से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले। तो प्रपाई प्रोफेसर से मिलने उनके घर जाती है। प्रपाई को बाहर खड़ा देख प्रोफेसर पहचान लेते हैं कि वो तो पूपा की गर्लफ्रेंड है, तो उससे वहाँ आने का रीज़न पूछते हैं और उन्हें कहती है कि पूपा काफ़ी परेशान है, क्या आप उसे किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बता सकते हो? प्रोफेसर कहते हैं, स्कॉलरशिप तो कुछ हैं बट उनके डेडलाइन कल तक की है। वो कहती है, तो क्या आप उनकी डेडलाइन थोड़े दिन के लिए बढ़वा नहीं सकते? प्रोफेसर कहते हैं, डेडलाइन बढ़ाने का काम मेरे बस में नहीं है, और अगर पूपा को सच में स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती तो तुम्हारी जगह वो मुझसे मिलने आता। और प्रपाई को घर जाने को बोलकर गेट बंद कर देते हैं। प्रपाई उनसे बहुत मिन्नतें करती है बट प्रोफेसर चले जाते हैं। प्रपाई काफ़ी सैड थी, तभी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है। प्रपाई उनकी वाइफ को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है तो वो उसे घर के अंदर ले जाती हैं। प्रोफेसर अपनी वाइफ को टी बनाकर देने लगे थे पर प्रपाई को घर में देख कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गई? और फिर प्रोफेसर से कहती हैं, तुम भी तो एक बार स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से कितने सैड थे, तो मैंने तुम्हारे टीचर से बात की थी। प्रोफेसर कहते हैं, डार्लिंग तुम वो बात बीच में क्यों ला रही हो, मैंने तो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही सही बनाया था, पर इसलिए हार गया था क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर की उनसे जान पहचान थी, बट पूपा के साथ ऐसा नहीं है, उसने प्रोजेक्ट में सही से डाटा नहीं लिखा, तो उसे अब सैड होने के बजाय अपनी गलती ढूंढनी चाहिए। प्रपाई को सब समझ आ गया था और कहती है, ठीक है तो मैं उसकी मिस्टेक ढूंढ के ठीक करने में हेल्प करूंगी, और बाई कर भाग जाती है। प्रोफेसर हैरान, उनकी वाइफ कहती है, इस लड़की के बॉयफ्रेंड के लिए दूसरी स्कॉलरशिप ढूंढो। देन प्रोफेसर वास लाइक, ओके डार्लिंग, आपका हुक्म सराखों पर। इधर पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, पूपा ने तो सारा डाटा सही से लिखा था, हमने खुद देखा था। प्रपाई कहती है, वही तो, पूपा हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतना सीरियस है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आधा डाटा लिखना भूल जाए। फ्रेंड्स कहते हैं, डाटा का कुछ पार्ट मीना ने एडजस्ट किया था, है ना मीना? वो कहती है, मुझे याद नहीं, और उठकर चली जाती है। बट वो तीनों वास लाइक, इसे क्या हुआ, ये क्यों उठकर चली गई? फिर वो तीनों देखते हैं कि डाटा सच में मिसिंग है, तो हैरान थे कि ये डिलीट कैसे हो गया। पर प्रपाई देखती है कि प्रोफेसर को पूपा का प्रोजेक्ट सेंड करने से पहले किसी ने एडिट किया हुआ था। पर प्रपाई कहती है, ज़रूर किसी ने जानबूझ के एडिट करके डिलीट किया होगा। फ्रेंड्स कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, लैब में तो मेरे, तुम्हारे, पूपा, प्रोफेसर और ओ माय गॉड। प्रपाई कहती है, हमें सच को सामने लाना होगा। फिर वो तीनों सीसीटीवी में देखते हैं कि जिस टाइम प्रोजेक्ट की एडिटिंग की हुई थी उसी टाइम मीना भी वहीं आसपास थी, पर मीना के डाटा डिलीट करने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्योंकि प्राइवेसी की वजह से लैब के अंदर सीसीटीवी नहीं लगा था, यानी उनके पास अभी कोई खास प्रूफ नहीं है। प्रपाई कहती है, तो हमें मीना से ही सच खुलवाना होगा।
बट कैसे, इसका प्रपाई को एक धांसू आइडिया आता है। तभी पूपा का एक फ्रेंड मीना को कॉल कर कहता है, तुम जल्दी से सीसीटीवी रूम में आ जाओ, प्रोफेसर भी वहीं पे हैं। तो मीना भागकर जा सीसीटीवी रूम की रिकॉर्डिंग्स देखने लगी थी। वो तीनों आकर पूछते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, कुछ भी नहीं। प्रपाई कहती है, क्या तुम सबूत मिटाने की कोशिश कर रही हो? मीना कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रपाई कहती है, हमें पता चला कि पूपा का प्रोजेक्ट प्रोफेसर को सबमिट करने से पहले एडिट हुआ था। तो तुम उस टाइम कहाँ थी? वो कहती है, मैं लैब में नहीं थी, मैं डाटा रूम में थी। अगर यकीन नहीं तो सीसीटीवी देख लो। फ्रेंड्स कहते हैं, सबको पता है कि लैब में सीसीटीवी नहीं है। वो कहती है, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब मैंने किया है? फ्रेंड कहता है, तुमने नहीं किया तो और किसने किया होगा? प्रपाई कहती है, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मुझे अपनी स्मार्ट वॉच दिखाओ कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मीना स्मार्ट वॉच छुपाने लगती है तो प्रपाई मीना का फ़ोन उठा के देख लेती है और कहती है, उस टाइम तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ी हुई थी? यानी उस टाइम तुम पूपा का प्रोजेक्ट एडिट कर रही थी, तभी तुम नर्वस थी इसलिए तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी। वो कहती है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट की चेकिंग कर रही थी इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड थी। फ्रेंड्स कहते हैं, पर तुमने तो अभी कहा था कि तुम उस टाइम लैब में नहीं थी, डाटा रूम में थी, तो तुम अपना प्रोजेक्ट कैसे चेक कर लोगी? यानी तुम उस टाइम लैब में थी। मीना चुप हो जाती है क्योंकि वो पकड़ी गई थी और फिर जल्दी से सीज़र उठा लेती है। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं बट वो उन्हें खुद से दूर रहने को बोल रही थी। तभी पूपा आकर मीना के हाथ से वो सीज़र छीन लेता है और प्रोफेसर भी वहाँ आ गए थे। इनफैक्ट उन सबको ही मीना की सच्चाई पता चल गई थी। प्रोफेसर गुस्सा भी होते हैं और सैड भी कि उनकी इतनी अच्छी स्टूडेंट मीना ने ऐसा गलत काम किया। मीना प्रपाई से कहती है, अब तो तुम खुश हो ना मुझे दुखी देखकर? प्रपाई कहती है, मैंने ये सब तुमसे जीतने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती पूपा खुद पे दोष लगाए कि उसने सही से मेहनत नहीं की और वो अपनी काबिलियत पर शक करे ताकि वो कर सके जो उसे करना पसंद है। प्रोफेसर कहते हैं, मैं फिर से उन्हें सब सच बताकर पूपा का सही वाला प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप के लिए सबमिट कर दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मीना काफ़ी डर गई थी। पूपा कहता है, रहने दीजिए प्रोफेसर। सब हैरान थे और इसी के साथ पार्ट 15 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।